तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टेलीग्राम का सीईओ पावेल ड्रूब को अरेस्ट कर लिया गया है फ्रांस में। तब से ये बात चलने लगी है कि इंडिया में शायद टेलीग्राम ऐप को बंद किया जा सकता है। फ्रांस में टेलीग्राम के सीईओ को पकड़ने की वजह थी टेलीग्राम ऐप पर मॉडरेशन की कमी। मतलब टेलीग्राम ऐप पर इलीगल गतिविधियां जो चल रही थी उसको ना रोकने की वजह से टेलीग्राम के सीईओ को पकड़ लिया गया था। लेकिन अब इस न्यूज को सुनने के बाद इंडिया के गवर्नमेंट ने भी इस पर ध्यान दे दिया है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और मिनिस्ट्री ऑफ होम और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब के जरिए टेलीग्राम को चेक किया जा रहा है। अगर टेलीग्राम ऐप पर एक्सटॉर्शन और गैम्बलिंग जैसी कोई चीज पाई जाती है तो टेलीग्राम को इंडिया में बैन किया जा सकता है। इंडिया में अभी टेलीग्राम ऐप को जांच किया जा रहा है। अगर टेलीग्राम ऐप पर एक्सटॉर्शन और गैम्बलिंग जैसी चीजें पाई जाती है तो ये बैन हो सकता है इंडिया में। जैसे कि एक्सटॉर्शन के मतलब हो गया कि जबरन पैसे वसूली, और गैम्बलिंग के मतलब हो गया कि जुआ जैसी ऐप प्रमोट होता है या फिर जुआ जैसी यहाँ पर चीजें होती है, मतलब कि यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज पाई जाती है, तो टेलीग्राम ऐप्स को बैन किया जा सकता है इंडिया। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि टेलीग्राम पर बड़े से बड़े स्कैम भी किए जाते हैं, फ्रॉड भी किए जाते हैं। कोई भी स्कैम और फ्रॉड होती है तो टेलीग्राम पर ही होती है, और यहाँ तक कि किसी भी एग्जाम का पेपर लीक होता है तो वो टेलीग्राम पर ही होती है। जैसे कि पिछले कुछ दिनों में हुआ था कि नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ था वो टेलीग्राम पर हुआ था, और मेडिकल एग्जाम का पेपर लीक हुआ था तो वो भी टेलीग्राम पर ही हुआ था। मतलब कि अब टेलीग्राम के ऊपर मुश्किलें बढ़ गई है, टेलीग्राम कभी भी बैन हो सकता है। जैसे कुछ साल पहले टिकटॉक बैन हुआ था तो उसी प्रकार से यहाँ पर टेलीग्राम भी बैन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज और एक्सटॉर्शन और गैम्बलिंग जैसी चीजें होती है। अगर ये जांच में पाई जाती है तो इसको बैन कर दिया जाएगा। बाकी देखते हैं कब इसका रिजल्ट आता है, जब रिजल्ट आएगा तो हम वीडियो बना करके बता देंगे। तो अब बात करते हैं हैमस्टर कॉम्बैट के बारे में। तो क्या हैमस्टर कॉम्बैट भी बैन हो सकता है? अगर टेलीग्राम ऐप बैन हो जाता है तो क्या हैमस्टर कॉम्बैट भी बैन हो सकता है? तो देखो, हैमस्टर कॉम्बैट वो चलता ही है टेलीग्राम ऐप पर, तो टेलीग्राम अगर बैंड हो जाता है तो हैमस्टर भी बैंड हो सकता है। लेकिन यहाँ पर यह भी क्वेश्चन आता है कि हैमस्टर कॉम्बैट अपना कुछ अलग कर ले तो अगर हैमस्टर कॉम्बैट अपना कुछ अलग कर लेता है तो शायद हैमस्टर कॉम्बैट बच सकता है। लेकिन हैमस्टर कॉम्बैट वो अभी टेलीग्राम पर ही चलता है, आप लोग पता ही होगा। हैमस्टर कॉम्बैट एक बोट है जो कि आप लोग टैप टैप करते हो वहाँ पर, तो आप टैप टैप करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। देखो, टैप टैप करने से आप अमीर नहीं बन सकते हो, तो आप लोग समझो यहाँ पर टैप टैप करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। बाकी अगर जो कर रहे हो, अगर जिसका ज़्यादा कॉइन जमा हो गया है तो वो करते रहो। अगर यहाँ पर लिस्ट हो जाता है हैमस्टर कॉम्बैट तो आप लोगों का फायदा हो सकता है शायद। लेकिन यहाँ पर टाउन है वो भी टेलीग्राम पर ही है, तो शायद टेलीग्राम अगर बैन हो जाता तो हैमस्टर कॉम्बैट भी बैन हो सकता है। लेकिन ये बात है कि क्या टेलीग्राम बैन होगा? जो इतना बड़ा ऐप है बैन होगा? तो यहाँ पर देखो, टिकटॉक भी बैन हो गया था जो कि बहुत बड़ा ऐप था। लेकिन अब देखते हैं कि टेलीग्राम क्या बैन होता है कि नहीं। अगर जो न्यूज आता है तो हम वीडियो बना करके दिखा देंगे आप लोगों को। बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। ये टेलीग्राम ऐप बैन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बताते वंदे मातरम।